फ्रेंड्स, वेलकम टू मन्नू क्रिएशंस। आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि ब्लाउज का कंधा जो है ये गिरता क्यों है। तो ये हमको किसी ने कमेंट करके पूछा, तो हम सोचे कि चलो इसको वीडियो बना के बता दे रहे हैं। इसका कंधा देखिए इसलिए गिरता है, ये डीप गला है। यहाँ पर देखिए ये डीप गला है। डीप गला होने से ही कंधा गिरता है, इसमें सपोर्ट देना पड़ता है डोरी। देखिए जैसे कि इसको हम पहनेंगे तो ये इस तरह से फैलेगा, ये ऐसे है, अभी ऐसे है, लेकिन जब पहनने के बाद में ये ऐसे फैल जाता है, फैलने के बाद में ये गिरता है जब डीप गला होता है। तो इसलिए यहाँ पे सपोर्ट के लिए डोरी कुछ भी डालना पड़ता है। और इसका दूसरा कारण ये है कि यहाँ पर देखिए जैसे कि किसी को हम अगर माप लेते हैं तो यहाँ से ये जो राउंड है आर्म का, यहाँ से हम यहाँ तक माप लेते हैं। तो अगर डीप गला बनाना होता है तो डीप गला में मान लीजिए कि यहाँ पे 14 इंच आ रहा है टोटल यहाँ से और यहाँ तक, तो हम 1 से 1.5 इंच कम करके ही लेते हैं। तो हम जब यहाँ पे हम इस तरह से मापते हैं यहाँ पे गला के लिए, जब ये निशान लगाते हैं तो यहाँ पर हम 2 इंच या 1.5 इंच ही रखेंगे। जब बहुत बड़ा ज्यादा बड़ा साइज का है तो 2 इंच, और मीडियम हो या फिर कम है तो 1.5 इंच से ज्यादा हम गला में नहीं रखते हैं। और उसके बाद में और यहाँ पर जितना आ रहा है 3 या 3.5 उतना हम लेते हैं। मतलब यहाँ से समझ लीजिए कि यहाँ से यहाँ 5.5 लेंगे। अगर 14 इंच है तो 1.5 इंच हम इधर कम कर देंगे तो यहाँ 5.5 हो जाएगा। अगर थोड़ा और भी कम साइज का है, 30 है या फिर 32 है, तो 0.5 इंच इसमें और कम कर देंगे इधर से। इधर से नहीं करेंगे कम, यहाँ पर जितना हम रखे हैं इतना ही रहेगा। अगर कम करना है तो हमको इधर से कम करना है। अगर हम इधर से कम कर देंगे तो गला गिरने का डर है। डबल फोल्ड करके हम जो शोल्डर जितना माप है, शोल्डर अगर 14 आया तो उसका डबल फोल्ड करेंगे तो 7 आएगा। तो 7 से हमको क्या करना है कि 1.5 इंच कम कर देना है। तो 5.5 पे हम निशान लगाएंगे तो ये 1.5 इंच एक पल्ला में कम जाएगा, तो दोनों तरफ से 3 इंच कमेगा, फिर दूसरे वाला पल्ला में भी उतना कमेगा तो 6 इंच कम जाएगा। तो इस तरह से ये गला नहीं गिरेगा। और तीसरा रीजन ये है कि मान लीजिए कि ये डीप गला है, ये डीप गला में इस तरह से ये तीरा है जो निशान देते हैं 0.5 इंच या 2 पॉइंट हम तिरछा जो निशान लगाते हैं वो इधर से लगाते हैं, पर ये गलत है। इसको हम डीप गला में इधर से हम लगाएंगे, इधर से यहाँ पर मिला के, और इधर से जो हम लगाते हैं ये कम गला में या कॉलर वाला गला हो उसमें हम इधर से निशान लगाते हैं। यहाँ पर ये तीसरा पॉइंट है। और चौथा कारण यह है कि इसको भी हम कम रखते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसमें 2.7 इंच है। बहुत लोग और भी पतला ये 1.5 इंच करके ही रखते हैं, तो इसमें भी गला गिरने का चांस होता है। यहाँ पे पतला होता है और गला डीप होता है, तो ऐसे ऐसे ब्लाउज में ऐसे गला का जो डिजाइन है इसमें बिना ये डोरी दिए चलेगा ही नहीं, पहन ही नहीं पाएंगे, तो डोरी वहां पर तो देना ही पड़ेगा। बस यही रीजन था जो गला गिरता है डीप गला में, इसलिए हमको यहाँ पे बीच में ये डोरी का सपोर्ट देना पड़ता है। अगर डबल गला है, किसी किसी डबल गला में होता है ये पूरा बंद होता है और नीचे से एक और गला बना होता है, तो उसमें डोरी नहीं भी लगाएंगे तो नहीं गिरेगा, और कॉलर वाला गला में भी गला नहीं गिरेगा। लेकिन इस तरह का डीप गला है तो हमको इस तरह से बनाना पड़ेगा या फिर इसमें हुक भी लगाना पड़ेगा, तभी गला रहेगा। बस यही कारण था। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, लाइक करें, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।